बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने पहनी थी ये साड़ी और बताना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी आज मैंने बियर के लिए साड़ी तो मैंने देखा कि साड़ी में हैंकी टच चैलेंज बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा उसमें कुछ खास लगा नहीं कि हैंकी टच में ऐसा है क्या, लेकिन फिर भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं उसके लिए कर देती हूँ। मेरे पास अभी कलरफुल हैंकी नहीं है फिलहाल और मार्केट भी आप लोगों को पता है कि खुली नहीं है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ हैंकी टच। तो यहाँ पर हम हैंकी को टक करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं हैंकी टक। सॉरी यार मेरे पास कलरफुल हैंकी अभी है नहीं, इस वक्त अवेलेबल नहीं है और मिल भी नहीं रहा है, तो स्टार्ट करते हैं हैंकी टक। तो हैंकी को हमको जैसे कि सपोज मैंने ये वाइट हैंकी ले लिया है और इस वाइट हैंकी को मैं ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना। हैंकी को इस तरह से आप टक कर सकते हो और अगर ये कलरफुल हो हैंकी तो और भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये इस तरह से ये हैंकी को टक कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हो गया हैंकी। और या तो फिर आप इस साइड में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस साइड में हैंकी को टक कर सकते हैं और इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से है, ये अच्छा लग रहा है ना काफ़ी। और वैसे तो ये कलरफुल में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप बताना कि साड़ी आपको कैसी लगी, ब्लैक साड़ी। मेरा ब्लैक बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है ब्लैक कलर। तो आई होप आपको आज मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना। ये देखिए साड़ी, और ये साड़ी भी काफ़ी अच्छी है, ये मेरी मम्मी की ही साड़ी है और ये काफ़ी अच्छी साड़ी है, ये देखिए। और ये बहुत ज़्यादा गर्मियों में ना बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये साड़ी। और अगर कलरफुल हो तो कलरफुल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हैंकी नहीं है तो मैं आपको ये बता दी हूँ, अगर आप साड़ी में इस तरीके से, वैसे तो कोई पहनता नहीं है आज की डेट पे, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन वंक्शन में ऐसे ही तगड़ी पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगेगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये देखिए, और ब्लैक पे तो अगर ब्लैक पे पहनते हैं ना तो ब्लैक पे तो और खिल के आ रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है ये। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा ब्लैक साड़ी हैंकी टक। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छे अच्छे कलरफुल हैंकी लेकर आऊँगी और उससे दिखाऊँगी आपको साड़ी वियर करके और अपना हैंकी टक, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी और साड़ी में मैं आपको। और यहाँ मैं दोपहर के टाइम, क्योंकि मैं फ्री थी मेरे को टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शाम को क्या कपड़े धोने, अभी मैं दोपहर में ही कपड़े धो लेती हूँ और बहुत शांति से अपने काम कर लेती हूँ मैं, जब मन करता है मैं तब कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि यार धुल ही जाएंगे कपड़े तो क्या वो करना, तो मैं यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ और कपड़े धो रही हूँ। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और कभी कभी मेरा मन होता है साड़ी पहनने का तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से बहुत क्लियर आ रही हो, और मैं ऐसे आँखों को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे धूप लग रही है, धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है, पर कपड़े यार धुल जाएंगे तो धुल ही जाएंगे। ये मैंने मशीन में पानी डाल दिया है, सर्फ भी डाल दिया है, और हस्बैंड जी घर नहीं थी तो मैंने सोचा कि जब वो नहीं है घर पर तो टाइम पास भी नहीं हो रहा, चलो कपड़े ही धो लेते हैं, शाम को क्या धोएं, अगर वो आ जाएंगे फिर उनके साथ बातें वगैरह कर लेते हैं तो टाइम पास हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और गाइज़ वैसे तो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, पहन लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन साड़ी में काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, काम उससे नहीं होता क्योंकि नीचे सारा गीला हो जाता है ना, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, अदरवाइज़ तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ बहुत अच्छे से।
यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल गए हैं, पानी बार बार लेकर आ रही हूँ, खंगाल रही हूँ, और इस तरीके से कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं, और बीच बीच में बच्चे आके डिस्टर्ब करते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ये ले लूँ, बस तो इन्हीं चीज़ों में टाइम चला जाता है। और कपड़े वगैरह धुल गए थे, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो मैं सो लेती हूँ। और मैंने साड़ी यार उतार दी थी क्योंकि ज़्यादा देर मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ, और मैं हो रही हूँ चिपकू चिपकू क्योंकि मैंने अपने हेयर ऑयलिंग की है अभी जस्ट, ये देखो कितनी चिपकू चिपकू सी हो रही हूँ ना मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब बिना करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मुझे सपोर्ट ज़रूर करोगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।